यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल पहुंच चुकी है। साबरमती जेल में बंद है माफिया डॉन अतीक अहमद। अतीक को यूपी लाया जा सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। उमेश हत्याकांड को लेकर पूछताछ कर सकती है एसटीएफ की टीम, तो बहुत बड़ी खबर है ये। क्या अतीक अहमद को उमेश हत्याकांड में पूछताछ के लिए साबरमती जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है? क्या पूछताछ होगी यूपी लाकर? बहुत बड़ा सवाल है ये, और इससे जुड़ी एक एक कड़ी जोड़ने में यूपी एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं साबरमती जेल से, जहां पर एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया था उमेश हत्याकांड के बाद, यूपी एसटीएफ पहुंची है। टीवी 9 भारतवर्ष पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डॉन को यूपी लाया जा सकता है, और सचिन पाटिल हमारे साथ सीधी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बहुत बड़ी खबर है, क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है? कितने बजे पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम, और क्या साबरमती से यूपी लाया जा सकता है, साबरमती जेल से अतीक अहमद को? देखिए, यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची है, यूपी की प्रयागराज पुलिस, और अभी फिलहाल वो हैं यहाँ पर साबरमती जेल में। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है, कोर्ट का परमिशन, और उसके साथ में ये जो खबर हमारे पास में आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि 2007 का एक रायटिंग और एक्सटॉर्शन का मामला है, जिस मामले में बुधवार को इसकी सुनवाई कोर्ट में होनी है, और उसी केस को लेकर के पुलिस यहाँ पर आई है और उनको यहाँ से ले जा सकती है आज, और या दोपहर 3 बजे तक अतीक अहमद जो है, जो गैंगस्टर, उनको यहां से ले जाने की जो खबर है, वो खबर अभी यहां से हमें मिल रही है। यूपी पुलिस सुबह से यहां पर पहुंच चुकी है, और यहां पर पहुंचने के बाद आप देखिए मेरे बराबर पीछे, एक बार फिर क्लियर कीजिए, आप कह रहे हैं यूपी एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची है अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए 2007 के एक केस में, ना कि उमेश पाल मर्डर केस से जुड़ी तफ्तीश से जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए। क्या यूपी लेकर जाया जाएगा अतीक अहमद को, यह क्लियर है? 2007 के ही केस में अगर तफ्तीश होगी तो क्या यूपी ले जाया जाएगा? देखिए समीर, मैं फिर से एक बार ये बात जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन में जो अतीक अहमद है उसके सामने जो केस रजिस्टर हुआ था 2007 में रायटिंग और एक्सटॉर्शन का, उस मामले की सुनवाई जो है वो यूपी में कोर्ट में होनी है, और उस सुनवाई को लेकर के यूपी पुलिस यहाँ पर पहुंची है, और यहाँ से उसको यूपी ले जाया जा सकता है। दोपहर 3 बजे तक यहाँ से उनको ले जाएंगे, इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही है। अभी हाल फिलहाल ये जो है उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि क्या उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के भी इसमें कोई जो प्रोसेस है वो प्रोसेस की जा रही है या नहीं। जब तक इस बारे में यूपी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, इस बारे में स्पष्टता नहीं हो सकती, लेकिन अभी हाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो जानकारी हमको मिल रही है, कितने बजे पहुंची थी, इसी बात की मिल रही है कि 2007 का एक रायटिंग और एक्सटॉर्शन का जो मामला है, उस मामले को लेकर के प्रयागराज पुलिस यहां पर पहुंची है।